वीडियो में हम बात करेंगे एसजेवीएन शेयर के बारे में, जहां पे शेयर अभी के टाइम में 131 रुपये पे ट्रेड करते हुए नजर आएगा आपको। फिलहाल दोस्तों एक दिन तेजी हमें एसजेवीएन शेयर में पिछले ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखने में मिला था। वो तेजी के पीछे वजह क्या था वो भी मैं बताऊंगा, और आज के दिन गिरावट क्यों दिखने में मिला मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, उसके बाद लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन सा लेवल पे आप फ्रेश एंट्री किस लेवल के बाद आप ले सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। बट वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद का रिसर्च कीजिए और उसके बाद सोचिए, बाकी मेरे अकॉर्डिंग क्या लग रहा है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसजेवीएन शेयर के बारे में, तो अब पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आपने देखा होगा तेजी। अब तेजी के पीछे वजह क्या था कि इरेडा शेयर जंप ओवर 7% MOU। आप देखेंगे इरेडा के साथ कुछ MOU, इरेडा साइन MOU विथ एसजेवीएन एंड जीएमआर, देखेंगे जीएमआर एनर्जी फॉर 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो ये कुछ प्रोजेक्ट को लेकर MOU साइन हुआ, अगर हम बात करें यहाँ पर इरेडा, एसजेवीएन और जीएमआर जो भी एनर्जी है, तो इसको लेकर कह सकते हो कि हमें ये तेजी कहीं ना कहीं देखने को मिला था। आई थिंक जो भी है उसके मतलब जो देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, और ये तेजी कुछ 5% से ऊपर का आई थिंक यहाँ पे था जो भी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिंग। अब देखिएगा, अब उसके पहले लगातार पिछले कुछ 5 दिन से लगातार गिरावट ही था। उसके पहले भी एक दिन तेजी था, फिर एक दिन गिरावट था, फिर एक दिन तेजी था, फिर लगातार 3 दिन गिरावट था। बट इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 5 दिन से लगातार गिरावट ही था, और फिर एक दिन तेजी देखने को मिला सितंबर 10 को, और 11 यानी आज के दिन भी शेयर में कहीं ना कहीं गिरावट ही है। और देखते हैं क्या ये गिरावट में क्लोजिंग होता है या फिर तेजी में क्लोजिंग होने वक्त। अब बात करेंगे यहाँ पे आखिर ये गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए मेन बात ये है कि अभी के टाइम में कोई ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के ऐसा नहीं आ रहा जिसकी वजह से गिरावट कहीं ना कहीं हो रहा हो। ऑलरेडी शेयर काफ़ी ऊपर चल चुका था, काफ़ी ऊपर कह सकते हो कि काफ़ी रिटर्न यहाँ पे दे दिया था। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे दिया था, और जो भी शेयर काफ़ी रिटर्न यहाँ पे दे देता है उसके बाद कहीं ना कहीं करेक्शन यहाँ पे आता है, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग को लेकर हो या फिर जो भी हो, गिरावट कहीं ना कहीं आता है। लगातार तेजी नहीं रह सकता है सालों साल किसी भी शेयर में, वही चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। अब गिरावट के यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लगातार एक कंसोलिडेशन वाला फेज बना हुआ है, कोई मतलब एक छोटा कंसोलिडेशन नहीं है, बड़ा ही है कह सकते हो कि ज़्यादा वोलेटाइल है, बट फिर भी कंसोलिडेशन वाला फेज बना हुआ है। अब एंट्री, फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो 160 का एक लेवल है, 160 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे फर्दर एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, या फिर आप 200 का टारगेट लेके चल सकते हो, अलग की बात है। बट 160 के नीचे काफ़ी बड़ा आया है, उसके ऊपर जाके फिर आया है, 160 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाता है तो कह सकते हो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेश एंट्री का मौका जो भी ये कह सकते हो बन सकता है। बाकी अगर हम बात करें आगे आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करें यहाँ पे तो अभी के टाइम में एसजेवीएन शेयर में तो मैंने बता दिया लेवल्स के बारे में, और जो भी अगर हम बात करें यहाँ पे सारी चीज़ें और प्राइस क्या चल रहा है, तो ये कुछ कह सकते हो कि न्यूज़ निकल के आया हुआ था कि साइन हुआ MOU, रेडा साइन MOU विथ एसजेवीएन एंड जीएमआर एनर्जी फॉर 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नेपाल। 11 को न्यूज़ निकल के आया, फिर अदर साइड्स पे यहाँ पे अदर अदर को भी कह सकते हो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया। 1 डे पहले का आप देखेंगे नवरत्न स्टॉक जंप 6% आफ्टर साइनिंग MOU विथ एसजेवीएन जीएमआर एनर्जी। एसजेवीएन शेयर राइज 6% ऑन 91 करोड़ MOU विथ इरेडा जीएमआर। मतलब यही कुछ न्यूज़ जो है निकल के आते हुए हमें दिख रहा है। कुछ कल के दिन अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ यहाँ पे MOU साइन हुआ, MOU विथ इरेडा जीएमआर एनर्जी, एसजेवीएन शेयर राइज 6%, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कह सकते हो। तो बाकी अगर हम बात करें तो आपका ओपिनियन क्या है शेयर को लेकर, आपने कितने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है, कितने के लॉस और प्रॉफिट में चल रहे हो, जो भी आप बताना चाहते हो बता सकते हो कमेंट में। कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह हम यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम हमें क्या देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में, या फिर जो भी है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाइंग। कम्युनिटी सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल पे आके, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड बाइंग एसजेवीएन। अब आपका ओपिनियन क्या है प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वॉल्यूम के अगर हम लेकर चले यहाँ पे, तो कल के दिन वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त दिखने मिला था, बिकॉज यहाँ पे तेजी भी काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था, और 3 करोड़ के वॉल्यूम में 44 लाख का रिजल्ट आएगा लगभग 16.55%, उसके पहले 1 वीक के एवरेज में और उसके पहले 1 मंथ के एवरेज में, उससे काफ़ी ऊपर वॉल्यूम दिखने को मिला है। हम देखते हैं आज का वॉल्यूम क्या रहता है। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, फिलहाल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ऑनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।